श्री हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। प्रेमी भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त में एक ऐसा नाम जिससे कि मानव शरीर के हर रहस्य का पता किया जा सकता है, अर्थात वह कौन सा मंत्र है, कौन सा नाम है जिससे कि ये पता किया जा सकता है। प्रेमी भक्तों, सारी जानकारी आपको मिलेगी, बस आप धैर्य बना के रखें और थोड़ा हमें समय दें कि हम आपको अच्छे से समझा सकें। तो प्रेमी भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त का महत्व और इसका वर्चस्व वर्तमान समय में काफ़ी अधिक माना गया, क्योंकि अधिकतर जो सफल व्यक्ति है वो उनकी क्रियाविधि या फिर उनकी अच्छे समय की शुरुआत और सफलता के दिन की शुरुआत इसी दिन से होती है, इसी समय से होती है। तो वर्तमान समय में ब्रह्म मुहूर्त का भी काफ़ी समय वर्चस्व है और बीते हुए समय में भी काफ़ी वर्चस्व था और आने वाले समय में भी इसका काफ़ी वर्चस्व रहेगा, क्योंकि ये एक तरह से ऐसा समय है कि आपकी कामयाबी में लगभग 50% इसका मानिए कि योगदान रहता ही रहता है, क्योंकि एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे समय से ही होती है। तो आप मान के चलिए कि आपके अच्छे समय, ये बहुत ही अच्छा समय है आपके अच्छे दिन की शुरुआत का। प्रेमी भक्तों, यह नाम आपके जीवन में वो रास्ते खोल देगा और वो चीज़ का एहसास करवाएगा आपसे जी जो आपने कभी महसूस भी नहीं किए। अर्थात प्रेमी भक्तों, श्वासों का जप जो निरंतर मानव शरीर में है चलायमान, उस पर ध्यान देने की अधिकतर मनुष्यों को कोशिश करनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो लगभग सभी मनुष्यों को इस पर ही ध्यान देना चाहिए कि श्वासों का आवागमन हो रहा कैसे है, जा कैसे रही है, आ कैसे रही है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि आखिरकार ये निरंतर है तो है क्यों। अगर आप इस श्वासों पर ध्यान देंगे तो निरंतरता से जो समय आपको लगेगा और अभ्यास आपका जो होगा, उससे क्या होगा कि आपके समक्ष वो परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाएंगे। और ये सोहम मंत्र के द्वारा ही है, अर्थात सोहम मंत्र इसको कह लो या सोहम मंत्र बोल लो या सोहंग बोल लो, कुछ भी कह सकते हैं, इसको मंत्र कहते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए इसको मंत्र की उपाधि दी गई है। बाकी इसको परिभाषित करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसको परिभाषित इस तरह से नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिकतर मनुष्य इसको जान ही नहीं पाएंगे इसको किस तरह से परिभाषित करें। इसको जान सकते हैं तो आप स्वयं जान सकते हैं, आप खुद करके देखेंगे तभी आपको ध्यान में पड़ेगा, बाकी इससे बिल्कुल भी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा आखिरकार सोहम मंत्र है तो क्या है इसका। कभी आप ओम बोल लो, राम बोल लो, श्री कृष्ण बोल लो, आपके सामने एक स्वरूप प्रकट हो जाएगा। क्या ओम बोलोगे तो महादेव का स्वरूप प्रकट होगा, राम बोलोगे तो श्री रामचंद्र जी दशरथ पुत्र श्री राम का स्वरूप प्रकट होगा, कृष्ण बोलोगे तो कृष्ण भगवान का आपके सामने स्वरूप प्रकट। मगर स्वयं क्या है, वोट ये है क्या आखिरकार स्वयं, ये स्वयं आपको स्वतः पता करना पड़ेगा। प्रेमी भक्तों, ये अंतर ही अंतर चलता है, निरंतर है, प्राण जाप है जो आपको ध्यान में रखना है। इसमें सभी स्वरूप विद्यमान है, आप जिस स्वरूप में भजोगे उस स्वरूप में आपको परमात्मा मिल जाएगा। राम में भजोगे तो राम मिलेगा, कृष्ण में भजोगे तो कृष्ण मिलेगा, हरि में भजोगे तो हरि मिलेगा। तो प्रेमी भक्तों, सोहम मंत्र एक ऐसा ही मंत्र है जो मानव रहस्य को उजागर करने में सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यही मंत्र है राम क्यों नहीं, अरे राम हो या सोम राम, आप सांस को सोम, आप सांस को राम राम से जोड़ दीजिए, यानी अपनी सांसों में राम नाम मिला दीजिए, वो अपना आप ही हो आपको स्वतः मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि सोहम अलग है, राम अलग है, कृष्ण, आप भेद बता रहे हो, इनमें अंतर बता रहे हो, अंतर कुछ नहीं है। आप जिस भी प्रभु को जपते हो, परमात्मा को के भगवान को जपते हो, बस उस श्वासों में अपना उस प्रभु का नाम रमा लीजिए,
आपको जो स्वरूप अच्छा लगता है, जिसकी आप दिन प्रतिदिन आराधना करते हैं, मनन करते हैं, उसको अपने श्वासों में रमाएं, उसका मंथन कीजिए उस नाम का। जैसे श्री राम है, उनका राम राम ले रहे हैं, तो उस चीज़ को रमाएं अपने अंदर, बिल्कुल घोट ले अपने। गुरु का तो कार्य इतना ही होता है कि आपको मंत्र दे के बस, हाँ अब इसको आपको सिद्ध करना है। कहने का तात्पर्य प्रभु भक्तों कि कोई चीज़ आपको मिली है ना, तो उसको पेंदा ढूंढने की कोशिश करो। पेंदा आपको कोई नहीं बताएगा ये कि इसका पेंदा किधर है। इसका आप तली ढूंढ लोगे ना, तो आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि इसका रहस्य क्या है। अर्थात प्रेमी भक्तों, इसको चीज़ को अपने अंदर रमाओ, घोटो अपने अंदर, इसका मंथन करो अंदर अंदर ही अंदर, अंतर ही अंदर मंथन करो। इससे क्या होगा, सर्वप्रथम का तो आपके विकार निकलेंगे। विकार क्या क्या है? आपका आलस है, आपकी ईर्ष्या है, आपका अहम है, अहंकार है, अभिमान है, आपकी अशुद्ध प्रवृत्तियाँ है, ये विकार है एक तरह के। ये आपसे पूर्ण रूप से बाहर निकल जाएंगे अगर आप इसका मंथन करो। फिर बाद में आपको क्या, मानव शरीर धीरे धीरे मिलने लगेगा और आप स्वतः ही जान पाओगे कि इस मानव जीवन का रहस्य आखिरकार है तो है क्या। प्रेमी भक्तों, सोहम मंत्र की मैं ज़्यादा व्याख्या आपको समझा नहीं सकता, क्योंकि ये महसूस किया जाता है उस परमात्मा के प्रति समर्पण भाव रखकर। इसलिए प्रेमी भक्तों, मैं आपसे इतनी ही विनती करूँगा, अगर आपको ये सिद्ध करना है तो भर्म मुहूर्त बहुत अच्छा मुहूर्त बताया गया है। उस समय देखिए, भर्म मुहूर्त पर काफ़ी सारे अनेकों वीडियो मिलेंगे आपको, मगर आपकी ये प्रवृत्ति रहनी चाहिए कि उस अच्छे वीडियो में से आप अच्छे गुण क्या है, उसमें क्या बात अच्छी कही हूँ, वो उसको है ना अब्जॉर्व करने की कोशिश करें, उसे ग्रहण करें। अब मेरा भी यही कहने का मतलब है कि ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा मंत्र है, ब्रह्म मुहूर्त में एक ऐसा समय है कि आप इसमें यानी हर कार्य करेंगे तो वो कार्य आपको निसंदेह मिलेगा ही मिलेगा। आप भगवान का नाम लेंगे, प्रभु का जाप करेगा तो प्रभु मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे तो कर तो हर समय भी कर सकते हैं, मगर इसका ब्रह्म मुहूर्त का तो 100 गुना लाभ मिलेगा, क्योंकि उस समय देखिए आपके मन में किसी तरह की कोई विचार नहीं होता है, किसी तरह का कोई दोष नहीं होता आपके मस्तिष्क में, आपके मन में। इसलिए सबसे शुद्ध समय, सबसे अच्छा वातावरण, और इसी समय आप नाम जप कीजिए प्रभु द्वारा, गुरु दक्षिणा जो आप गुरु द्वारा आपको मंत्र दिया हुआ है, या फिर ये सोहम मंत्र है, जिससे कि आप जिस भगवान को जपते हैं वो भगवान आपको स्वतः ही मिलेगा, निसंदेह आपको स्वतः मिलेगा। प्रेमी भक्तों, अगर आप उस प्रभु की होड़ में दौड़ने लग गए, मान के चले, तो प्रभु आपको निसंदेह मिलेगा जरूर आपको। प्रेमी भक्तों, भव मुहूर्त में आप चाहे जो कर सकते हैं, मगर मेरा मानना यही है कि आप इस मंत्र का गुणगान करें, इस नाम का गुणगान करें, अपने शरीर में रमाए, अपने रोम रोम में रमा लीजिए। तो देखो प्रभु भक्तों, श्री हनुमान जी श्री बालाजी महाराज प्रभु भक्त, श्री राम जी के प्रभु भक्त है, रोम रोम में राम नाम समाया, और रोम रोम में उनके एक भी ऐसा चीज़ नहीं है कि आप जिसको भी हाथ लगाओगे उनके शरीर पर, एक बाल बराबर उसके अंदर भी आपको राम नाम का अंश मिल जाएगा। भक्ति है, देखिए श्रेष्ठ भक्ति कहाँ है, अपने रामचरित्र मानस देखिए, उसमें पूरा प्रभु श्री राम जी का वर्णन और हनुमान जी का वर्णन, जो कि देखिए कितना उत्तम बताया गया। तो प्रेमी भक्तों, मेरा तो कहने का यही तात्पर्य है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे और उस प्रभु का ध्यान नाम ध्यान करें, और कुछ नहीं, उस प्रभु का ध्यान करें। अपनी इस मानव जीवन को सार्थक करने का सबसे उत्तम समय यही बताया गया है, क्योंकि आपका दिन, अच्छे दिन की शुरुआत अगर आप इस दिन से कर देंगे ना, तो आपके वो निरंतर पूरे दिन ही वो नाम चलता रहेगा, नाम चलता रहेगा घड़ी घड़ी। वो मेरा, और ये हो सके तो आप दोपहर को और शाम को भी करने की कोशिश करें, इसको ध्यान मुद्रा में बैठे हो अपना आप इस नाम को रमाएं, अपना वो राम नाम को उसे मंथन कीजिए, उस राम नाम को आपको हर चीज़ मिलेगी। प्रेमी भक्तों, हर चीज़ मिलेगी। तो प्रेमी भक्तों, हमारे शब्दों को यही विराम देते हैं, और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को।
प्रेमी भक्तों, काफ़ी भक्त आते हैं मगर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए हमारा चैनल जय सियाराम, आपका सहयोगी। तो प्रेमी भक्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय सियाराम।